सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेले जा रहे इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को पूरी तरीके से दबा कर रख दिया है। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत हुई बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी से और अभी दिन का खेल खत्म भी नहीं हुआ है कि भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी करने मैदान पर आ चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि टीम की गेंदबाजी कुछ इतनी ज्यादा तेज तर्रार रही कि बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। पारी के महज 31वें ओवर तक ही बांग्लादेश की टीम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पवेलियन पे जा चुकी थी। भारतीय टीम की तरफ से तीनों ही तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करी और सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए ईशांत शर्मा ने। दोस्तों आपको बता दें कि ईशांत शर्मा ने अकेले 5 बड़े विकेट अपने नाम किए हैं। इसके साथ साथ ईशांत शर्मा का हाथ बटाया मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने। उमेश यादव के खाते में जहां 3 विकेट रहे तो वहीं मोहम्मद शमी ने भी 2 बड़े विकेट अपने नाम किए हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से अपनी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को महज 106 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। हमेशा की तरह सलामी जोड़ी के तौर पर माइक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत करी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी पारी की पहली गेंद पर ही मयंक अग्रवाल ने चौका जड़ दिया और सबको बता दिया कि वह बड़े शॉट्स लगाने के लिए ही मैदान पर आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जब रोहित शर्मा के हाथों में स्ट्राइक आई तो उनका सामना एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी से हुआ था, जिस पर रोहित शर्मा ने अपना मन पसंदीदा पुल शॉट खेला और गेंद बैक स्क्वायर लेग की तरफ से सीधा जाकर गिर गई बाउंड्री के बाहर और यह छक्का हो गया। दोस्तों कुछ इसी तरीके से मयंक अग्रवाल व रोहित शर्मा ने मिलकर पहले ओवर में ही 11 रन लगा दिए थे और इन 11 रनों का मतलब था कि सारा का सारा प्रेशर बांग्लादेशी टीम पर डाल देना। इसके बाद आगे चलकर मयंक अग्रवाल ने और भी बड़े शॉट लगाए, लेकिन फिर वह 5वें ओवर की 4थी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी में 21 गेंदों का सामना करके 14 रन लगाए थे, लेकिन उनके आउट होने के बावजूद रोहित शर्मा ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर बखूबी भारतीय टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाला। आपको बता दें कि टी ब्रेक तक धीमी बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 30 गेंदों का सामना किया और 13 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। दूसरी तरफ 21 गेंदों का सामना करके 7 रन चेतेश्वर पुजारा भी अपने खाते में जोड़ चुके थे और इन दोनों खिलाड़ियों की इसी पार्टनरशिप के चलते भारतीय टीम 12 ओवर में 35 रन बनाकर 1 विकेट गंवा चुकी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अपनी इस छोटी पारी में भी एक इतिहास रच दिया है और यह इतिहास है ईडन गार्डन के मैदान में इस पहले डे नाइट टेस्ट मैच वह खिलाड़ी बनने का जो कि भारतीय टीम की तरफ से पहली बार गुलाबी गेंद पर छक्का लगा पाया हो। दोस्तों रिकॉर्ड सुनने में तो बेहद ही अटपटा लगता है, लेकिन रोहित शर्मा ही वह पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने गुलाबी गेंद पर छक्का जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके बाद जो कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाएगा वह आएगा तो दूसरे नंबर पर। साथ ही आपको बता दें कि रोहित शर्मा 21 रन बनाकर आगे आउट हो गए थे, लेकिन उनकी पारी ने यह रिकॉर्ड तो बनाया है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, रिकॉर्ड बनाने के मामले में कौन एक बेहतर खिलाड़ी साबित होता है, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।